प्रकार इसमें पानी भरा है, चेंज कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं मैंने टैंक किस प्रकार बनाया हुआ है और कितना मजबूत बनाया हुआ है। देख सकते हैं आप कितने हेल्दी हो गए हैं और काफ़ी तंदुरुस्त हो गए हैं, ये देखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त रघु राणा अलमड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव चौरासी से आप लोगों के लिए स्वरोजगार वाली वीडियो लाते रहता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, दो दिन से कोई ब्लॉग नहीं आया क्योंकि बहुत बिजी था। बिजी इसलिए था कि जैसे कि आपको पता है, मुर्गी पालन, मछली पालन एवं बकरी पालन और एवं ऑर्गेनिक पर काम करता हूँ। ऑर्गेनिक पीछे मैं आपको ककड़ी दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो मछली का जो है पानी बहुत गंदा हो गया था, तो पानी चेंज करना है। पानी चेंज करने के लिए बहुत दूर से हमको पानी के लिए मोटर ले जानी पड़ती है, तार बिछाना पड़ता है, पाइप लगाना पड़ता है, तब जाके कहीं जाके हमारा जो है पानी चेंज हो पाता है। और पहाड़ में स्वरोजगार करना इतना आसान नहीं है और जितना आसान एक दूसरे की वीडियो देख के लगता है कि पहाड़ में स्वरोजगार करना बहुत आसान है, मगर बहुत कठिन है। ये नहीं कहता हूँ कि नहीं हो सकता है, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है और परिश्रम करते रहना है, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो मैं दिखाता हूँ कि कैसे हमने पानी चेंज किया, कितनी दूर से मैं पानी लाया हूँ और कैसे मैं पानी चेंज कर रहा हूँ, ये सब आपको आगे दिखाता हूँ वीडियो में। तो बने रहें ब्लॉग में, अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो आगे देखें, सारी ककड़ियाँ हैं देख सकते हैं, ये देखिए, और ये देखिए गुच्छे में, ये देखिए, ये हैं ककड़ियाँ, ये सारे ककड़ियाँ लगी हुई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मछलियाँ कैसे दिख रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा पानी खाली नहीं किया है क्योंकि इसमें जो है छोटे बच्चे भी हैं और वो छोटे बच्चों को शिफ्ट करने में बहुत दिक्कत होती है और आधी उनकी मोटाबिलिटी हो जाती है, इसलिए मैंने अभी इसको पूरा शिफ्ट नहीं किया है। थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद इसको पूरा शिफ्ट करके इसको पूरी तरह से खाली करके एकदम क्लीन करके फिर दोबारा से इसको साफ़ करके पानी भरा जाएगा। मगर अभी यह है कि पानी चेंज हो जाता है, मछली को दिक्कत नहीं होती ऑक्सीजन लेने में। तो आगे दिखाता हूँ मछली कितनी बड़ी हो गई। तो ये था मछलियों का अपडेट फ्रेंड्स, और पीछे देख सकते हैं आप, आजकल में जो आपको बता रहा था कि ककड़ी वगैरह बहुत हो चुकी हैं और यहाँ से है रास्ता, थोड़ा कूदना पड़ता है ऐसे। और अब चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो है पोल्ट्री मुर्गियों का क्या अपडेट है आज के डेट में। तो दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं आप कितने हेल्दी हो गए हैं और काफ़ी तंदुरुस्त हो गए हैं, ये देखिए ये। और धूप आने के बाद तो और भी मज़ेदार हो जाता है ये। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कितनी दूर से पानी मछलियों के लिए ला रखे हैं और कैसे मैंने व्यवस्था कर रखी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बहुत दूर से हम पानी को लाए हैं और आज मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, सुहाना सा। ये मेरा पाउंड है, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से मैंने इस तरीके से बंद कर रखा है पूरा जाली लगा के, ये देख सकते हैं ये आ रहा है पौंड में पानी। और पानी कितनी दूर से आ रहा है वो आपको दिखाता हूँ चल के, कितना परिश्रम करना पड़ता है पहाड़ों में। तो बने रहे हैं आप ब्लॉग में। और आजकल है पहाड़ों में बरसात का टाइम है तो घास भी बहुत बड़ी हो रखी है। तो चलो आज तो देख सकते हैं आप कैसे व्यवस्था कही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मोटर, और ये रही तार और पाइप, और ये नीचे गधेरे में जो पानी है बरसात के टाइम पर जो बहता पानी है, इस पानी का हम यूज़ कर रहे हैं। इस पानी से ही हम क्या है अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, मछली पालन वगैरह करता हूँ मैं, और इसमें मेरे स्वयं का ही सारा पैसा लगा हुआ है, कोई सरकार की तरफ से कुछ भी मदद नहीं है और अभी तक मैंने स्वयं किया हुआ है। तो ये था मेरा इतनी दूराई पर, तो ये रहा यहाँ से जाता है पानी मछलियों के लिए ऊपर टैंक तक। ऐसे इतनी चढ़ाई है ऊपर को, देख सकते हैं आप इतने चढ़ाई पर पानी फेंक का जाता है मोटर से, और इतनी दूर परिश्रम करके मैंने ये स्वरोजगार कर रखा है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। धीरे धीरे आप लोगों को, सरकार के लोगों को पता लग रहा है कि मैंने स्वरोजगार किया है मछली पालन मुर्गी पालन,
एवं बकरी पालन। तो अब मेरे पास धीरे धीरे लोग आते हैं सरकारी विभाग वाले, तो मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ कि आप पहले स्वयं पहल करें, उसके बाद ही आपको कोई चीज़ हासिल हो सकेगी।